छोड़कर जब मनुष्य होगा तो तब ही भगवान की जो वृंदावन की लीलाएं हैं उनका चिंतन कर सकेगा। विषय छाड़िया कबे, बोलिए। विषय छाड़िया कबे, शुद्ध हबे मना, शुद्ध हबे मना, कबे हाम हेरी बो, कबे हाम हरि बो, श्री वृंदावन। श्री वृंदावना। तो आगे ये प्रार्थना करते हुए कि जब ये मन शुद्ध हो जाएगा तो विषय छाड़िया कभी शुद्ध, कब में मेरा मन जो है विषय विकारों को छोड़कर शुद्ध होगा, और कब मैं भगवान के वृंदावन में जो नित्य लीला है उनके दर्शन कर सकूं। तो ऐसी प्रार्थना नित्यानंद प्रभु के चरणों में करते हुए हमें प्रयास नित्यानंद प्रभु के गुणगान का, सभी बोलिए, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, बोलिए। जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद जय नित्यानंद नित्यानंद जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय, जय निताई गौरांगा, निताई गौरांगा, निताई गौरांगा गौर हरी, निताई गौरांगा, निताई गौरांगा, निताई गौरांगा, गौरांगा 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 गौरांग नित्यानंदा 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 राम, निताई गौरांगा, बोलो निताई गौरांगा, निताई गौरांगा गौर हरि, निताई गौरांगा, बोलो निताई निताई गौरांगा, गौरांगा, निताई गौरांगा गौर हरि। हरि हरि बोल, 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 जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, 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 श्री गौर निताई पंच तत्व की जय। जय।
योग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय, संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, महाभागवत श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। तो आज के इस क्लास में आप सभी भक्तों का सभी का भाग लेने के लिए स्वागत और धन्यवाद है। तो ये प्रसंग चल रहा है श्री हरिदास ठाकुर जी के बारे में, जो नित्यानंद प्रभु के साथ में नित्यानंद प्रभु का, तो असल में दो प्रसंग, एक पहले भी चल रहा था अलग से क्लास में। तो नित्यानंद भगवान जो नवदीप में एक चक्राग्राम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में यह है, एक चक्राग्राम में प्रकट हुए और बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही उनकी भगवान कृष्ण भगवान राम की जो लीलाएं हैं, अन्य बालकों के साथ में इस तरह की लीलाएं करना और जब महाप्रभु से भेंट हुई तो महाप्रभु ने आज्ञा दी नित्यानंद प्रभु को और उनके साथ में नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को कि आप दोनों घर घर जाकर प्रचार करो हरि नाम का। और हरि नाम का प्रचार करते हुए किसी से भी झगड़ा नहीं कर, कोई ऐसा अगर कोई नाम नहीं लेता है या कोई दुर्व्यवहार करता है तो तुमने उनसे झगड़ना नहीं है, केवल मेरे को शाम को आकर मेरे को बताना है, बाकी उसको मैं देख लूंगा। जो तो महाप्रभु ने आज्ञा दी और नित्यानंद प्रभु ने प्रचार कार्य आरंभ कर दिया हरिदास ठाकुर जी के साथ में। और एक दिन भेंट हुई दो ब्राह्मण कुल के दो भाई जगाई और मधाई से, और जब उनको नित्यानंद प्रभु ने हरि नाम लेने के लिए कहा, जो पहले ये प्रसंग हो चुके हैं, तो उनमें से एक भाई ने क्या किया, जगाई ने नित्यानंद प्रभु के सिर पर शराब का बर्तन मारा और उससे खून बहना, रक्त बहना शुरू हो गया। जैसे ही महाप्रभु को पता चला, उसी समय महाप्रभु क्रोध में दौड़ते हुए वहां आए और सुदर्शन चक्र का आवाहन कर दिया, पर नित्यानंद प्रभु ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की गौरांग महाप्रभु के कि कलयुग में तो ऐसे लोगों की भरमार है, आप कितनों का वध करेंगे, और आपने तो कहा था कि इस कलयुग में जब अवतार लेंगे आप कोई अस्त्र या शस्त्र धारण नहीं करेंगे। तो तब जब नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना की तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि अगर तुम इन्हें क्षमा करते हो, अगर और आगे के लिए दोबारा इस तरह का ये नहीं करेंगे, मांसाहार मद्यपान जो बुरे कर्मों में दोनों लगे थे। तो मधाई ने तो पहले भगवान के चरणों में क्षमा मांग ली, आगे वर्णन है, दसों दिशाओं में जय जय नित्याई चांद की तुमुल ध्वनि गूंज उठी, यमराज एवं चित्रगुप्त ने जगाई मधाई के पाप खाते जला डाले। जब नित्यानंद प्रभु के माध्यम से उनको कृपा मिली, नित्यानंद प्रभु ने कहा भगवान को कि हे कौतुकी, मेरे द्वारा अपराध क्षमा करा रहे हो मधाई के, क्यों वंचना कर रहे हो इस दीन की। नित्यानंद प्रभु का देखिए कैसा हृदय है, स्वयं भगवान हैं, भगवान बलराम जी हैं, लेकिन
कैसा दैन्य भाव है जब भगवान प्रकट हुए तो कैसे लीला कर रहे हैं भगवान। नित्यानंद प्रभु कहते हैं गौरांग महाप्रभु को जो स्वयं कृष्ण हैं लेकिन भक्त के रूप में आए हैं अपनी ही भक्ति का प्रचार करने, तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं क्यों आप मेरे साथ इस तरह का आप कर रहे हैं कि मेरे को कह रहे हैं कि मैं क्षमा करूं। प्रभु इसने मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं प्रभु वाजवी कागड़ते कि विग्रह जो है अगर घर में कभी रखने हो तो गौर निताई के रखने चाहिए, क्योंकि राधा कृष्ण के विग्रह या बाल कृष्ण के विग्रह में अगर सेवा नहीं ठीक से करेंगे तो अपराध होगा, उससे फिर भक्ति में उन्नति नहीं हो पाएगी। लेकिन गौर निताई अपराध नहीं लेते, जिसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। जबकि जगाई ने नित्यानंद प्रभु के मस्तक पर इस तरह का प्रहार किया कि रक्त बहने लगा, लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं गौरांग महाप्रभु से कि इस जगाई ने मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया है, आप इसका उद्धार करो। सत्य कहता हूं मैं अपने समस्त पुण्यों का फल इसे प्रदान करता हूं, करुणामय इस मधाई को अपना लो। जब ऐसी प्रार्थना की नित्यानंद प्रभु ने तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं निताई प्रभु बलिहारी तुम्हारी करुणा पर, आपके सिवाय ऐसा कौन कह सकता है, कौन कर सकता है, लगा लो गले इस भाग्यवान को। प्रभु गौरांग की अनुमति देखते ही श्री निताई चांद ने मधाई को उठाकर अपने गले लगा लिया। आजानुलंबित विशाल भुजाओं में मधाई को ऐसा कस के बांधा कि उसके कोटि भव बंधन तोड़ डाले। नित्यानंद प्रभु भगवान ऐसा वर्णन है शास्त्रों में, जब भगवान प्रकट होते हैं धरती पर तो उनके ऐसे कुछ गुण हैं उनके दिव्य शरीर में, उनकी भुजाएं जो है लंबी होती है, विशाल भुजाएं। महाप्रभु की भी भुजाएं जो है घुटनों तक आती थी, इतने लंबे भुजाएं। तो यहाँ पर यही बात वर्णन है, आजानुलंबित विशाल भुजाओं में उन्होंने क्या किया, मधाई को ऐसा कस के बांधा नित्यानंद प्रभु ने, गले लगाया कि करोड़ों जन्मों के उसके भव बंधन जो है वो तोड़ डाले। रक्त रंजित मस्तक निताई चांद ने मधाई को अनुराग रंजित कर डाला। स्वयं तो नित्यानंद प्रभु जो है रक्त से वस्त्र सब भीगे हैं शरीर, और मधाई को क्या किया, अनुराग कृष्ण प्रेम जो है वो प्रदान कर दिया, अनुराग से भगवान के प्रति प्रेम से भर डाला। बिना किसी साधन भजन के परम साध्य रूप प्रेम भक्ति के सागर में उसे धकेल दिया। एक है व्यक्ति खूब साधन भजन करे तो कहीं साधना से उसके आध्यात्मिक जीवन में कुछ उन्नति हो भक्ति पथ पे, लेकिन मधाई जो है उसने कोई साधन भजन भी नहीं किया, कोई ऐसा कि हाँ भजन, लेकिन फिर भी केवल भगवान की कृपा मिली नित्यानंद प्रभु की, इतने से ही जो परम साध्य है श्री कृष्ण प्रेम, वो प्रेम भक्ति जो है उसका समुद्र उसमें उसे उड़ेल दिया उसके हृदय में। तो दसों दिशाओं में जय जय निताई चांद की तुमुल ध्वनि गूंज उठी। यमराज एवं चित्रगुप्त ने जगाई मधाई के पाप खाते जला डाले। जब देखा कि इनको तो स्वयं भगवान ने ही अपना लिया, नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु ने दोनों भाइयों को जगाई मधाई, तो यमराज जो सभी का लेखा जोखा रखते हैं और चित्रगुप्त जो सबका लिखते हैं पाप और पुण्यों का खाता, उन्होंने जला डाले। कि ये जैसे गुरु महाराज कहते ना कि इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे, कि अब यमराज भी देखे अब ये मेरा कस्टमर नहीं रहा मेरा, अब ये भगवान के विष्णु दूत ही से लेकर जाएंगे भगवान के ही धाम में। यही यहाँ पर वर्णन है। भजन साधन करने वाले किंग कर्तव्य विमूढ़ हो उठे। तो भजन जो कई कई जन्मों से भजन साधन कर रहे हैं, कई कई वर्षों से, वो भी एक बार के लिए सोच में पड़ गए कि हम तो कितना कितना भजन साधन करने में लगे हैं भगवत भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, और इनको मुफ्त में मिल गया ये कृष्ण प्रेम। तब श्री निताई चांद ने मधाई का हाथ पकड़कर
उसे श्री गौरंग के चरणों में डाल दिया। श्री गौरंग ने मधाई के मस्तक पर अपने चारों चरणारविंद को रखकर कहा, मधाई नित्याई चांद जिसको मेरे अर्पण कर दे, वह कैसा भी क्यों ना हो, उसे मैं त्याग नहीं सकता। देखिए करुणा महाप्रभु के कितने दयालु ये अवतार। इसलिए हमारे एक आचार्य कहते हैं श्रीला लोचनदास ठाकुर जी कि अवतार भालो, अवतार भालो, ऐसा अवतार कभी पहले नहीं हुआ किसी भी युग में, ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर और ना कलयुग में, जो अकारण ही कृपा कर रहे हैं जीवों पर, इस तरह से अपना प्रेम का खजाना लुटा रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं जिसे नित्यानंद पन ने अपना लिया, निताई चांद ने, उसको मैं कभी भी ठुकरा नहीं सकता। फिर आओ अब तुम दोनों संकल्प लो कि भविष्य में कोई पाप नहीं करोगे एवं भूतकाल में किए गए समस्त पापों का मुझे दान दो। देखिए पापों का फल भी नहीं भोगना, भगवान कहते हैं अब मुझे दान में दे दो। अपने क्या दान में मांग रहे हैं? उनके पुण्य नहीं मांग रहे, उनकी भक्ति नहीं मांग रहे, उनसे धन संपत्ति नहीं मांग रहे, उनसे उनके पापों को मांग रहे हैं दान में महाप्रभु। करुणामयी की यह वाणी सुनते ही दोनों चीत्कार कर रोने लगे, सहम गए, प्रभु क्या कह रहे हैं। पृथ्वी पर अचेतन होकर दोनों गिर पड़े। प्रभु ने दोनों को अपने हाथों से उठाया और बोले, चलो तुम दोनों अब हमारे साथ हमारे निवास स्थान पर और मिलकर आज कृष्ण कीर्तन करेंगे। जगाई मधाई के नेत्रों से अजस्त्र अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। करनी को याद कर, अपने पाप कर्मों को याद कर, ऐसे जघन्य पाप इनके जो कहने लायक नहीं है। बोलो मांसाहार करना, मदिरा पान करना, सारी तरह के बुरे कर्म करना, ऐसे ऐसे दुष्कर्म जो कहने लायक नहीं है इनके वर्ण, ऐसे जघन्य इनके सर पे पाओ। लेकिन दोनों को जब भगवान ने अपना लिया, भगवान कहते हैं महाप्रभु आओ मिलकर सब कृष्ण कीर्तन करेंगे आज। जगाई मधाई की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, अजस्त्र अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी अपने करनी को याद कर कि हमने इतने जघन्य पाप और ऐसी कृपा गौर निताई भगवान। परंतु एक अद्भुत आनंद से उनका हृदय भी उद्वेलित हो रहा था। ब्रह्मा दुर्लभ वस्तु, जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है कृष्ण प्रेम, अत्यंत कठिन है मिलना ब्रह्मा जी को भी, आज इनके हाथ पड़ गई दुर्लभ वस्तु। चल दिए प्रभु पाद के साथ, नित्यानंद प्रभु के साथ में चल दिए। पूरी कर दी श्री निताई चांद ने अपनी प्रतिज्ञा। जगाई मधाई के दर्शन कर चमत्कृत तो हो उठे सब नदिया वासी। नित्यानंद प्रभु ने ये प्रतिज्ञा की थी प्रचार कार्य के समय, जब देखा कि ये दोनों ऐसे अधम हैं और पूरे नवद्वीप में सब भय खाते थे उनसे नदिया में। नित्यानंद प्रभु सोचने लगे, ऐसे पतितों का अगर महाप्रभु के द्वारा मैंने उद्धार करवा दिया ना, तो बड़ी आसानी से सारे नवद्वीप में, सब जगह संसार में गौरांग महाप्रभु के जो स्वयं कृष्ण आए हैं जीवों पर कृपा करने के लिए भक्त के रूप में, सब जगह उनका नाम इस तरह से प्रचारित हो जाएगा, फैल जाएगा। इसलिए जानबूझकर नित्यानंद प्रभु ने इस तरह के पतित इनको चुना, जगाई मधाई को। श्री गौरांग एवं जगाई, श्री निताई एवं मधाई जब भुजाएं उठाकर कृष्ण कीर्तन में नृत्य करने लगे, तो पुलक अश्रु कंप हो उठा दोनों के शरीरों में और बार बार हुंकार कर पछाड़ खाने लगे। ये गौरांग महाप्रभु के साथ जगाई और नित्यानंद प्रभु के साथ मधाई, दोनों भुजाएं उठाकर सब कीर्तन जब करने लगे, बार बार इतने भावुक हो जाते हैं दोनों जगाई मधाई कि पछाड़ खाकर भूमि में पर गिर पड़ते हैं हरि नाम करते हुए। पछाड़े
बड़ी विचित्र थी, बिल्कुल पृथक थी पहली पछाड़ों से। जैसे पहले भक्त भावुक होकर कभी गिर पड़ते थे कीर्तन में, इनका बिल्कुल अलग था तरीका दोनों का। मूर्छित थे नशे में, दोनों नशे में मूर्छित थे, लेकिन कौन सा नशा? कृष्ण प्रेम का नशा। आज तक तो मदिरा का ही नशा करते रहे थे, लेकिन आज जब भगवत प्रेम का नशा चढ़ा तो बाकी सारे नशे फीके पड़ गए। ऐसे ही एक बात गुरु नानक देव जी ने भी कही है, जो सिखों के गुरु हैं, उन्होंने क्या कहा, हरि हरि नाम जपन तया कछु न कहे जमकाल। कि अगर कोई हरि हरि नाम का जप करता है, हरि किन का नाम है, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, वही हरि नाम। अगर हरि नाम का कोई जप करता है तो यम दूत और काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यमराज। नानक तन मन सुखी रहे अंत मिले गोपाल। उसका तन भी सुखी रहेगा और मन भी सुखी रहेगा, और अंत में गोपाल स्वयं भगवान कृष्ण की प्राप्ति होगी। और एक जगह क्या कहते हैं गुरु नानक देव जी इस बात को, कि अगर नशे जैसे हैं पंग अफीम शराब, जो ये जगाई मधाई भी ये नशे करते थे सब तरह के, उतर जाए प्रभात। नानक जी कहते हैं कि शाम को लो तो सुबह तक उतर जाएंगे, लेकिन नाम खमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अगर भगवान नाम का कोई नशा करता है तो ये दिन रात चढ़ा रहेगा, और यही स्थिति जगाई मधाई की हो गई। अब दोनों मूर्छित थे नशे के अंदर, परंतु कुछ अनिर्वचनीय था यह नशा, जिसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता, ऐसा यह नशा था कृष्ण भक्ति का, कृष्ण नाम का, कृष्ण कीर्तन का। प्रेम की पछाड़े थी और नशा था कृष्ण नाम का। दोनों ने श्री निताई चांद की अद्भुत स्तुति गान की। क्या स्तुति की, देखिए दोनों ने, जय जय महाप्रभु जय विश्वंभर, जय जय नित्यानंद जय विश्वंभर धर, जय जय निज नाम विनोद आचारज, जय नित्यानंद चैतन्य सर्व कारज, जय जय श्री जगन्नाथ मिश्र नंदन, जय जय नित्यानंद चैतन्य शरण, जय जय श्री शची पुत्र करुणा सिंधु, जय जय नित्यानंद श्री चैतन्य बंधु। तो ये गुणगान जगाई मधाई ने किया अद्भुत, ये स्तुति करते हुए कि महाप्रभु जो है विश्वंबर, सारे विश्व का जो भरण पोषण करने वाले हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और नित्यानंद कौन है, जय विश्वंभर धर, जो विश्वंभर जी को, भगवान महाप्रभु को धारण करने वाले हैं। उनके नित्यानंद प्रभु की जब तक किसी पर कृपा ना हो तब तक गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। नित्यानंद प्रभु ये मानते हैं हृदय में कि गौरांग महाप्रभु मेरी संपत्ति है, इसलिए उनकी अनुमति के बिना कोई भी गौरांग महाप्रभु तक नहीं जा सकता। जय जय निज नाम विनोद आचार्य, और क्या कर रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण जब भक्त के रूप में आए अपने ही नाम का बड़े विनोद से, बड़े आनंद से आज क्या कर रहे हैं, उसको प्रचार कर रहे हैं। और नित्यानंद क्या कर रहे हैं, चैतन्य सर्वकार, चैतन्य महाप्रभु के सब कार्यों को, उनकी लीलाओं को संपन्न करने में उनका सहयोग कर रहे हैं। जय जय श्री जगन्नाथ मिश्र नंदन, चैतन्य महाप्रभु के जो पिता हैं उनका नाम है श्री जगन्नाथ मिश्र, इसलिए महाप्रभु का एक नाम श्री जगन्नाथ मिश्र नंदन भी है। और जय जय नित्यानंद चैतन्य शरण, और नित्यानंद कौन है, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के शरण ले रखी है चरण कमलों के। जय जय श्री शची पुत्र करुणा सिंधु, और शची माता जो है महाप्रभु की जो माता है, उनके पुत्र करुणा सिंधु, करुणा के भंडार सागर हैं चैतन्य महाप्रभु। और नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य बंधु, चैतन्य महाप्रभु के भाई हैं। इस प्रकार जगाई मधाई ने श्री गौरांग निताई चांद की अनेक स्तुति की।
अक्रोध परमानंद श्री निताई चांद, अक्रोध अर्थात जिनको कभी क्रोध नहीं आता, वो हर समय परम आनंद में मग्न रहते हैं, वो श्री निताई चांद की इस विचित्र करुणा ने पूर्व पूर्व अवतारों के समस्त पापी असुर उद्धार को अति अल्प कर डाला। पहले के अवतारों में कैसे भी उन्होंने असुरों का उद्धार किया हो, जैसे हिरण्यकश्यप का, हिरणाक्ष का, फिर त्रेता युग में रावण का, द्वापर युग के अंदर कंस का, लेकिन जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने जब कृपा की और इस तरह से जगाई मधाई का इनका उद्धार किया, तो सारे पहले के अभी तक के किए हुए भगवान के द्वारा जो उद्धार थे ऐसे असुरों के, पापियों के, वो सब बहुत छोटे रह गए। नरसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार में जितने जितने असुरों का, दुराचारी पापियों का उद्धार हुआ, सबका संहार करके मर जाने के बाद भले उन्होंने सिद्ध लोक को प्राप्त किया, परंतु जीते जी उन्होंने भगवत कृपा का कुछ भी अनुभव नहीं किया। इन सब अवतारों में, नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप ने, राम अवतार में रावण ने, कृष्ण अवतार में कंस ने, लेकिन मरने के बाद भले इनको गति मिली हो, लेकिन पहले ये अनुभव नहीं कर पाए भक्ति का, प्रेम का, भगवत कृपा का। परंतु जगाई मधाई जीते जी उन्होंने भगवत कृपा का इसका अनुभव किया। कृपा के फल भगवत भजन का भी सौभाग्य उन्होंने लाभ नहीं किया पहले के पूर्व के असुरों ने। उनके बंधु बांधवों ने तथा जगत में किसी ने भी उन असुरों के जीवन के परिवर्तन को नहीं देखा, कंस के या रावण के या हिरण्यकश्यप के, हिरणाक्ष के। और भगवान द्वारा प्रदान की गई उनकी सदगति को भी किसी ने प्रत्यक्ष नहीं देखा कि सामने कोई सदगति हुई, ऐसा नहीं देखा प्रत्यक्ष रूप में। परंतु अहो, कलयुग पावन अवतार श्री गौर निताई चांद की कृपा से कल तक जो जगाई मधाई अतिशय मद्यप, शराब पीने वाले, मदिरापान करने, गौ ब्राह्मण हिंसक, गायों और ब्राह्मणों का वध करने वाले, पर दारागामी, पराई स्त्रियों का संग करने वाले, डाकू थे, दुराचारी थे, आज वे परम साधु उत्कृष्ट वैष्णव गंगा के समान पुनीत हो गए। उनका जीवन पलट गया, उन्होंने स्वयं, उनके बंधु बांधवों ने भगवत कृपा का प्रत्यक्ष फल देखा, स्वयं उन्होंने भी देखा जगाई मदाई ने, और उनके जो पारिवारिक लोग थे उन्होंने भी ये सब देखा, प्रत्यक्ष कृपा कैसे हुई भगवत कृपा इन दोनों पर, जगाई मदाई पर। उन्होंने स्वयं उसके फल स्वरूप भगवत भजन का सुख प्राप्त कर भगवत परिकरत्व, भगवत परिकरत्व को प्राप्त किया। एक भगवत भजन का सुख प्राप्त किया दोनों जगाई मदाई ने, और भगवान के जो परिकर हैं वो परिकर में प्रवेश मिल गया इनको दोनों को, जो भगवान के नित्य साथ रहते हैं सेवाओं में। जय हो प्रेम दाता परम करुणामय श्री निताई चांद की, जिन्होंने अपना माथा फुड़वा कर भी अधमों अधर्मों को सर्वोत्तम सदगति प्रदान की। ऐसे अधर्मी जो दोनों थे जगाई मदाई, उनको भी सबसे से सर्वोत्तम सदगति प्रदान की नित्यानंद प्रभु। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री गौरांग ने सब वैष्णवों से जगाई मधाई पर अनुग्रह करने का आग्रह किया। अब महाप्रभु ने सारे जो वैष्णव थे उन सब वैष्णवों को कहा कि इन दोनों भाइयों पर, जगाई मधाई पे तुम कृपा करो इन पर। उन्होंने कहा ये जगाई मधाई मेरे दास हैं। महाप्रभु ने कहा इस बात को मन से निकाल दो, सदा के लिए भूल जाओ कि ये पापी दुराचारी थे। देखिए कैसी कृपा, भगवान खुद कह रहे हैं वैष्णव बिल्कुल भूल जाओ इनको कि कभी ये दुराचारी भी थे, पापी भी थे ये दोनों। मैंने इनके सब पाप ले लिए हैं,
जैसी कृपा श्री निताई चांद ने इन पर की है, किसी पर भी ऐसी कृपा किसी ने नहीं किया। पूर्व में प्रभु ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो देखो मेरी देह को, इनके पापों के मारे यह काली पड़ गई है। जैसे ही महाप्रभु ने कहा ना इनको कि अपने सारे पाप मुझे दान कर दो, वैसे ही क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु का दिव्य शरीर जो गोल्डन कलर का स्वर्णिम रंग का था, पिघले हुए सोने के समान चमकता था, वो पूरा शरीर एकदम काला हो गया महाप्रभु का। तो सारे भक्त डर गए, ये क्या हो गया महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु का, डरो मत, वास्तव में मैंने इन दोनों भाइयों के सारे पाप ले लिए जन्म जन्मांतरों के, इसलिए मेरा शरीर ऐसा हो गया। सबने देखा प्रभु की अंग कांति गौर की बजाय श्याम हो गई थी, सबके सब आश्चर्य में पड़ गए। श्री गौरांग सबको लेकर गंगा पर पहुंचे और आपने श्री गंगा की महिमा प्रकट करते हुए गंगा स्नान किया और समस्त श्यामता दूर हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु ने गंगा जी जो बंगाल में जाह्नवा के नाम से बहती हैं, जाह्नवे, तो उसमें जैसे ही गंगा स्नान किया तो फिर भगवान का दोबारा शरीर पहले जैसा हो गया, पिघले हुए सोने के समान स्वर्णिम रंग। तो इस तरह से गंगा मैया की महिमा प्रकट करें भगवान की, कैसी ये परम पावनी है गंगा मैया, सबको पवित्र करने वाली है। पूर्ववत उज्ज्वल कांति से शोभित हो उठे महाप्रभु, सबने जय जयकार किया, श्री गौरंग महाप्रभु की जय। सब अपने अपने निवास स्थान पर चले गए, परंतु श्री जगाई माधाई लौट कर अपने घर नहीं गए। सारे वैष्णव जब कीर्तन गंगा स्नान के बाद सब अपने अपने घरों को लौट गए, जगाई माधाई नहीं लौटे। गंगा के किनारे किसी घाट का सहारा लेकर आजीवन वहां भजन करते रहे आए, सारे जीवन भर वहीं गंगा जी के घाट पर ही फिर जीवन बिताया दोनों भाइयों ने, जगाई माधाई। किंतु माधाई के मन की गलानी दूर ना हुई। माधाई ने जो ऐसा किया था जो नित्यानंद प्रभु के, तो इनके मन में बड़ा गलानी है इस बात के कि मैंने इस तरह से भगवान को कष्ट दिया। तो जब मन से गलानी नहीं जा रही माधाई के, तो ऐसा देख श्री निताई चांद ने उसे गंगा के घाटों की मार्जन सेवा का परामर्श दिया। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, तो फिर ऐसा करो, तुम क्या करो, जितने भी गंगा जी के घाट हैं उसको साफ सफाई करो, बिल्कुल साफ रखो करके। तो उससे क्या होगा, घाट का मार्जन की सेवा करने से तुम्हारे मन का सारा कलमश मैल धुलेगा। इसलिए हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो उससे यही होता है, मंदिर में झाड़ू लगाना, मंदिर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना, बर्तन धोना, भगवान के टॉयलेट साफ करना, ये सब प्रभुपाद का करते हैं। इससे क्या है, मन शुद्ध होता है। किसी भी नए साधक को पहले शुरू के प्रभुपाद 6 महीने यही करना चाहिए, टॉयलेट क्लीनिंग की सेवा आश्रम में मंदिर में आकर। उसे बार बार आलिंगन देकर कृतार्थ कर दिया नित्यानंद प्रभु ने, ना रह सका कोई ऐसा कहे बिना, क्या कि तेरी रहमत ने दिया जब गुनाहगारों का साथ, बेगुनाह चीख उठे हम भी गुनाहगारों में है। जब इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने और गौरांग महाप्रभु ने कृपा की ऐसे गुनाहगारों अपराधियों पर पापियों पर, तो परिणाम जो बेगुनाह थे जिन्होंने कोई पाप अपराध नहीं किए, वो भी एक बार के लिए पुकार उठे कि हम भी गुनाहगार हैं, कि हम पर भी कृपा करें गौर निताई। तो बार बार हमें नाम जप करने से पहले गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरणों में बार बार प्रार्थना करनी चाहिए कि आप कृपा करो मुझ पतित पर, जिससे मेरा उद्धार हो, भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम प्रदान करें। इस प्रकार अक्रोध परमानंद परम दयाल मूर्ति श्री निताई चांद श्री नित्यानंद प्रभु ने अनेक जीवों को श्री कृष्ण नाम प्रेम प्रदान कर कृतार्थ किया। केवल जगाई मदाई नहीं, ऐसे अनेक जीवों पर कृपा की नित्यानंद प्रभु ने और कृष्ण प्रेम प्रदान किया। श्रीमन महाप्रभु
आधी रात को घर से निकल पड़े, बिलखता हुआ छोड़कर असहाय माता को। अब ये प्रसंग आ रहा है कि जब महाप्रभु आधी रात के समय घर का त्याग कर दिया, 24 वर्ष की अवस्था है, जबकि धर्मपत्नी जो है विष्णुप्रिया जो वो 16 वर्ष की है और माता वृद्ध है लगभग 70 वर्ष की। तो लेकिन महाप्रभु ने ये बताने के लिए कि सभी जीवों का एकमात्र आश्रय तो भगवान श्री कृष्ण है, सभी जीवों का पालन करने वाले, रक्षण करने वाले। तो ये प्रमाणित करते हुए महाप्रभु ने क्या किया, आधी रात को घर से निकल पड़े, बिलखता हुआ छोड़कर असहाय माता को। घर में और कोई नहीं है बड़ा, पिता का पहले ही गोलोकवासी हो चुके हैं, अब शची माता है और धर्मपत्नी शची माता के साथ में विष्णुप्रिया माता। कोटाया गांव में श्रीपाद केशव भारती से कपट संन्यास ग्रहण किया लीला अनुरोध से। कपट संन्यास का मतलब, कपट संन्यास का कि केशव भारती जो मायावादी संप्रदाय से थे, जो मायावादी संप्रदाय हैं उनमें से एक भारती भी है, ये केशव भारती, भारती ये भी उनमें आते हैं मायावादी संप्रदाय में। लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, संन्यास लेने से पहले उन्हें कहा कि कल रात को मेरे को एक स्वप्न आया था और उस स्वप्न में एक सन्यासी आया, उसने मेरे को एक मंत्र दिया और फिर उन्हें मंत्र पहले उनके कान में ऐसे ढीला करके दे दिया महाप्रभु ने केशव भारती जी, और उसके बाद फिर उनसे वही मंत्र ले लिया। इसलिए यह शब्द है कपट सन्यास ग्रहण किया लीला अनुरोध से, लीला करते हुए उनसे प्रार्थना करके श्रीपद केशव भारती जी को। सन्यास लेते ही प्रेमाविष्ट होकर भाग चले वृंदावन की ओर चैतन्य महाप्रभु। जैसे ही अभी सन्यास लिया और एकदम इतना प्रेमाविष्ट हो गए, स्वयं भगवान है भक्त के रूप में, तो वृंदावन की ओर भाग चले हा प्राण कृष्ण पुकारते हुए। परंतु श्री निताई चांद उन्हें एक बार निष्प्राणा माता शची से एवं विरहा सागर में डूबे नदिया वासियों से मिलाना चाहते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु की इच्छा थी कि वृंदावन जाने से पहले चैतन्य महाप्रभु एक बार अपनी माता को भेंट करें, मिलें, और नदिया वासियों को भी एक बार मिलें फिर जाएं, क्योंकि अभी तो आधी रात में निकले थे। तो प्रेमाविष्ट श्री चैतन्य की वंचना कर गंगा को यमुना बताकर ये उन्हें शांतिपुर श्री अद्वैत प्रभु के घर ले आए। तो नित्यानंद प्रभु भी वहां पहुंच गए। तो जब भगवान भावुक है प्रेमावेश में, उनको सुध नहीं है बिल्कुल, वृंदावन की ओर जा रहे हैं, तो नौका लेके वहां पहुंच गए अद्वैताचार्य जी के यहाँ शांतिपुर में, जो महाविष्णु के अवतार हैं, उनको खबर पहुंचवा दी नित्यानंद प्रभु ने कि आपके यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का भी आगमन करने के उन्हें लेकर आ रहे हैं। और इधर नौका लेके पहुंचे और जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा तो पूछा, भाई ये कहाँ है, कौन सी जगह, क्योंकि भावुकता में उन्हें मालूम है नहीं। उन्हें कहा ये जमुना जी है। कहते अच्छा ये वृंदावन है जमुना जी। तो उनको नौका में लेके और चालाकी से क्या है नित्यानंद प्रभु फिर दोबारा उन्हें शांतिपुर ले आए वापस अद्वैत प्रभु के घर पर। वहां नवदीप वासियों ने आकर मुंडित मस्तक प्राण निमाई को देखा, क्योंकि संन्यास लिया तो सिर मुंडवा लिया महाप्रभु ने, संन्यास में हेड शेव किया जाता और शिखा रखे। तो जब नवदीप वासियों ने, आज तो लंबे लंबे केश देखे थे महाप्रभु के, दिव्य स्वर्णिम रंग और साथ में बड़े बड़े केश थे उनके घुंघराले, अब आज जब मुंडित देखा पहले की पहली बार ऐसा कि उन्होंने सिर मुंडवा लिया, इस तरह से संन्यास ले लिया नवदीप वासियों ने जब, तो परिणाम मुंडित मस्तक प्राण निताई को जब देखा, देख न सकी माता शची, माता शची देख नहीं पाई, पछाड़ खाकर मूर्छित हो गई। श्री चैतन्य ने उसमें उनमें चेतना का संचार किया, उसके चरण का, उनके चरण का स्पर्श करके
महाप्रभु ने क्या किया, अपनी माता के चरण स्पर्श किए और वह चरण स्पर्श करते ही जो मूर्छित हो गई थी दोबारा उनको फिर उनको चेतना का उनमें संचार हुआ। माता की अनुमति लेकर महाप्रभु नीलाचल के लिए रवाना हुए। फिर माँ से अनुमति ली फिर चले। साथ साथ चल रहे थे प्रभु नित्यानंद, पंडित दामोदर आदि अंतरंग भक्त साथ साथ थे। मार्ग में स्वर्ण रेखा नदी पर महाप्रभु अपना दंड श्री निताई चांद को देकर स्नान करने चले गए। श्री जगन्नाथ दर्शनावेश में महाप्रभु सब कुछ भूल चुके थे। अब जा रहे हैं कहाँ, माता ने ये कहा चैतन्य महाप्रभु की निमाई तो वृंदावन जाओगे तो वो बहुत दूर है, तुम्हारी मेरे को खबर तक नहीं मिल सकेगी। अगर तुमने जाना ही है तो तुम ऐसा करो जगन्नाथपुरी चले जाओ, तो वो पास में ही है, तो नवदीप में मैं मेरे पास में भक्त जो भी आएंगे तो वो मेरे को खबर देते रहेंगे तुम्हारे बारे में। तो महाप्रभु ने माता की बात मानकर जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। और अब जब स्नान करने के लिए दंड जो है नित्यानंद प्रभु को पकड़ाया तो श्री नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उनकी दृष्टि अपने हाथ में पकड़े दंड पर पड़ी कि भगवान भला भगवान के कंधे पे ये दंड सवार रहे जो स्वयं भगवान है चैतन्य महाप्रभु। हंसते हुए बोले, अरे वाह रे दंड, जिनको मैं हृदय में धारण करता हूँ चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, उस दंड से जो सन्यासी त्रिदंड धारण करते हैं कंधे पर, अर्थात त्रिदंड का मतलब होता है जिसने शरीर मन और वाणी पर पूर्ण संयम कर लिया हो उसको त्रिदंडी के सन्यास का वैसे सही ये है प्रभुपद करते। पूर्ण जिनका संयम शरीर मन और वाणी पर, तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं रे दंड जिनको मैं हृदय में धारण करता हूँ वे तुम्हें अपने कर कमलों में धारण किए रहे, और उनको ये करना पड़े कि हाँ कर कमलों में अपने धारण करना पड़े तुम्हें, ऐसा कर नितांत अनुचित है यह। नित्यानंद प्रभु ने कहा निर्दय, उस दंड को कहते निर्दयी, तू दंड होकर भी दंडनीय है, तू है भले दंड है एक लेकिन तू दंडनीय है, तुम्हें जब मेरे प्रभु ने भी भुला ही दिया है तो तेरा अब क्या प्रयोजन। अर्थात महाप्रभु ने जब वो नित्यानंद प्रभु को दे दिया और महाप्रभु दौड़ पड़े जगन्नाथ जी के दर्शन करने, तो नित्यानंद कहते जब तुम्हें भुला दिया मेरे प्रभु ने तो अब तुम्हारी क्या आवश्यकता है, क्या प्रयोजन। इतना कहकर श्री निताई चांद ने क्या किया, दंड के तीन टुकड़े करे और इन्हें नदी में डाल दिया वहीं पे। वास्तव में स्वयं भगवान के पक्ष में जीव कोटि सन्यासियों के उस दंड का प्रयोजन भी क्या हो सकता है, अर्थात जो जीव कोटि के हैं, जो अर्थात जो जीवात्माएं सन्यास तक की अवस्था तक पहुंचती हैं उनके लिए है त्रिदंड धारण करना की, अर्थात उन्हें संयम, जो स्वयं भगवान है भला उनके लिए क्या है कि वो इंद्रियों पे संयम, उनका तो वैसे ही पूर्ण संयम है, स्वयं भगवान है चैतन्य महाप्रभु। इसलिए नित्यानंद प्रभु ये बात कह रहे हैं कि भला उस दंड का प्रयोजन क्या हो सकता है स्वयं भगवान के लिए, जो उनको मन वाणी और शारीरिक सुखों की वासनाओं से दूर रखने के लिए दंडित होने की स्मृति जगाता रहता है कि तुम उनके कंधे पे रह के, इससे बार बार स्मृति मन वाणी और शरीर के सुखों की वासनाओं से दूर रहने की, वो तो वह स्वयं भगवान है। ये आम जीवों के लिए है उनको स्मृति के लिए दंड धारण कि सन्यासी को दंड रखना चाहिए जिससे उसे हर समय ये स्मरण रहे मन वाणी और शरीर के सुख मुझे नहीं भोगने हैं, इनकी वासनाओं से दूर रहना। श्री नित्यानंद प्रभु नियामक हैं श्री गौर लीला स्रोत्र के, और नित्यानंद प्रभु कौन है, गौरांग महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उसके स्रोत्र के, उस लीलाओं के ये नियामक हैं कि क्या क्या लीला महाप्रभु करेंगे उसको निर्धारित करने वाले एक तरह से हैं नित्यानंद प्रभु। श्रीमन महाप्रभु ने गौड़ देशवासियों को, जो बंगाल है वो पहले गौड़ देश कहलाता था और उसमें कुछ उड़ीसा का भी भाग आता है,
गौड़देश वासियों को कृष्ण नाम प्रेम दान करने के लिए साथ ही पुत्र विरह व्याकुलता माता शची को आश्वस्त करने के लिए इन्हें गौड़देश भेजा और अपने परिकर जनों के साथ आप नवदीप में आकर सर्वप्रथम माता शची से मिले एवं अनेक दिन वहां उनके पास रहे। अनेक अलौकिक लीलाओं से सबको कृष्ण प्रेम प्रदान कर विभोर करने लगे। तो नित्यानंद प्रभु को लिए क्या, महाप्रभु तो गए जगन्नाथपुरी की ओर, लेकिन नित्यानंद को क्या कहा कि तुम नवदीप में जाकर वहां प्रचार करो हरि नाम का। तो पहले तो नित्यानंद प्रभु ने मना कर दिया, ये गौरांग महाप्रभु की लीला में सब प्रसंग है। जब मना कर दिया, महाप्रभु ने बार बार आग्रह किया, लेकिन जब नित्यानंद जी नहीं माने तो महाप्रभु अपना सिर नीचे करके अश्रु प्रवाहित करने लगे कि कैसे जीवों का उद्धार होगा। अब जो जिससे प्रेम करता है, गुरु महाराज कहते हैं, वो उसका कभी रोना नहीं देख सकता। तो नित्यानंद प्रभु का हृदय बड़ा विचलित हो गया। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि बोलो क्या चाहते हो आप। कहते तुम ऐसा करो, संन्यास छोड़कर तुम गृहस्थी बन जाओ। नित्यानंद प्रभु ने क्या क्या कहा कि तुम गृहस्थ छोड़ के सन्यासी हो और मैं संन्यास छोड़ के गृहस्थी बन जाऊं। कहते हाँ, इसलिए कि कहीं कल को ये लोग ना सोचें कि गृहस्थी को कभी भगवान मिल ही नहीं सकते, केवल सन्यासी को ही मिलेंगे। तो मैं तो आया ही इसी कार्य के लिए, जीवों को किसी तरह से भक्ति में लगाने के, उनका उद्धार करने। इसलिए महाप्रभु ने तो संन्यास दिया, पर तुम गृहस्थी का एक आदर्श प्रस्तुत करो और तुम नवदीप में रहकर वहां पर कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। और हाँ, मेरा दर्शन करने के लिए भी मत आना तुम नवदीप में, मैं ही आगे बीच में दर्शन तुम्हें दे दिया करूंगा। ऐसा आग्रह किया महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से। तो परिणाम नित्यानंद प्रभु आए शची माता के पास, कुछ दिन रहे और उन्हें दिव्य आनंद कृष्ण प्रेम प्रदान करा उसमें भी माता शची माता को। उन दिनों नवदीप में एक और ब्राह्मण पुत्र चोरी डाका हिंसा पर उतारू हो रहा था। एक और ब्राह्मण पुत्र था, चोरी और डाके डालता था। श्री निताई चांद नवदीप में मुक्ताहारों स्वर्ण कुंडादि अनेक भूषणों से सज धज कर विचरण करते रहते थे। इसलिए महाप्रभु ने कृपा करनी है ना, तो क्या करते थे, जानबूझकर तरह तरह के दिव्य सोने के और मणियों के ऐसे हार पहनकर नित्यानंद प्रभु जो हैं अनेक आभूषण धारण कर सज धज कर क्या विचरण करते नवदीप में, जिससे वो ब्राह्मण पुत्र जो चोरी और डाके डालता है उससे मिलना हो। एक अकिंचन ब्राह्मण हिरण्य पंडित के घर पर रात्रि के समय जब श्री नाम संकीर्तन के बाद सब वैष्णव जन अपने अपने घरों को चले गए और प्रभु भी शयन कर रहे थे, तो वह दस्यु हिरण्य के घर पर अनेक सशस्त्र चोर डाकुओं को लेकर आ पहुंचा। उस भक्त जो है तो वहां पर आ पहुंचा और वह प्रभु की हत्या कर समस्त भूषण वसन लेना चाहता था कि मैं पहले हत्या कर दूंगा और सारे ये गहने ले लूंगा। डाकू दल जब आगे बढ़ा तो देखा कि हिरण्य के घर के चारों ओर संगीन पहरा लग रहा है। क्या देखा कि बड़ा पहरा लगा हुआ है हिरण्य के घर के चारों ओर, जहां पे हरि नाम कीर्तन करते थे नित्यानंद प्रभु भक्तों के साथ। अनेक बलशाली सशस्त्र पहरेदार कृष्ण कहो हरि बोलो पुकार कर सजग हैं। डाकू दल निराश होकर वापस लौट गया, यह जानकर कि कोई सेठ सेठानी अपने अंग रक्षकों के साथ आज श्री निताई के दर्शन के लिए आए हैं। डाकू ने यह सोचा, इससे पूर्व एक दिन पहले भी डाकू दल आया था, परंतु वृक्षों के नीचे सोता ही रह गया, उनकी नींद ही नहीं खुली, वृक्षों के नीचे ही सोते रह गए। सवेरे होने पर लौट गया था। सबने सोचा दो चार दिन बाद आकर धावा बोलेंगे उन डाकुओं ने। दो चार दिन बाद जब वे सब सशस्त्र डाकू फिर तैयार होकर आए तो श्री निताई चांद ने ऐसी लीला रची कि रास्ते में ही सबके सब अंधे हो गए, किसी को कुछ दिखाई ना देने लगा।
फिर ऊपर से आरंभ हो गई मूसलाधार वर्षा, कोई गिरा नाली में तो कोई गड्ढे में, किसी की टांग टूटी तो किसी का सिर फूटा, ना जाने उनके हाथों में बल्लम तलवार छुरे लाठियां आदि शस्त्र कहां बह गए, पता भी नहीं चले। ये हालत हुई ऐसी मूसलाधार बारिश में। अंधे होने के बाद ब्राह्मण पुत्र डाकुओं के सरदार की हृदय की आंखें खोली कि ओ शहर श्री निताई प्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हम ही अत्यंत दुर्बुद्धि निकले। सब साथियों को लेकर सरदार ने श्री निताई प्रभु के चरणों में आकर आत्मसमर्पण किया और अनेक स्तुति विनय कर अपराधों की क्षमा याचना की। परमानंद स्वरूप श्री प्रभु ने उन्हें अपना लिया। नेत्र दृष्टि के साथ साथ सद्बुद्धि भी इनमें लौट आई। सबके सब परम वैष्णव बन गए और श्री कृष्ण नाम प्रेम के अव्यय दिव्य धन को पाकर अनेक जन्मों की कंगालता से मुक्त हो गए। बोलिए आदि गुरु श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री गौरंग महाप्रभु की जय, श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय, श्री गदाधर पंडित जी की जय, श्री श्रीवास ठाकुर की जय, समस्त गौर भक्तों की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर विमानते हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। तो ऐसे हैं ये नित्यानंद प्रभु, इसलिए उनकी लीलाओं से पहले पता चले कि कैसे हैं हम, क्योंकि ये उनका हिडन इनकार्नेशन गुप्त अवतार है भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जी का कलयुग में गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में। इसलिए उनकी लीलाओं के द्वारा हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को, और उनके चरणों में हम बार बार प्रार्थना करके हरि नाम लेते हुए हमें नित्यानंद प्रभु की और फिर उनके माध्यम से नित्यानंद प्रभु के गौरांग महाप्रभु की शरणागति लेनी चाहिए चैतन्य महाप्रभु की, जिससे हमारे हृदय में भी वो जगाई मधाई की तरह से अकारण कृपा करके भगवत प्रेम का खजाना लुटा सके, हमें कृपा करके दे सके। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ ब्यूटीफुल कथा। बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो आंसर हो रहे हैं कथा के थ्रू। जैसे था कि पहले कैसे क्यों संन्यास लिया चैतन्य महाप्रभु ने अचानक से, तो वो सब धीरे धीरे सब रिवील हो रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। क्योंकि भगवान विशेषकर आए इसीलिए है ना, इसलिए महाप्रभु की जब इसके बाद कभी लीला करेंगे ना तो उसमें से सब वर्णन आएगा। तो जिस समय रात को जाना था तो उसी दिन रात को संन्यास लेने से पहले विष्णुप्रिया को कहते हैं, भगवान विष्णुप्रिया माता को कहते हैं कि देखो तुम्हारा और मेरा जन्म हुआ ही इसीलिए है, रोने और रुलाने के लिए। विष्णुप्रिया माता ने क्या कहा कि अगर तुम्हें मेरे कारण से जाना पड़ रहा है संन्यास लेना तो ऐसा करती हूँ मैं अपने मायके वापिस चली जाती हूँ, लेकिन तुम माता को छोड़कर आप मत जाओ। तो तब महाप्रभु ने कहा मेरा जन्म ही इसलिए है मेरा और तुम्हारा, रोने और रुलाने, क्योंकि लोगों के हृदय जीवों के जो है इतने कठोर हो चुके हैं विषय वासनाओं को भोगने के कारण। जब तक हम कृष्ण प्रेम में मैं इस तरह से रोते हुए हरि नाम नहीं करूंगा और उनसे करवाऊंगा, तब तक उनके हृदय द्रवित नहीं होंगे, पिघलेंगे नहीं हृदय, ऐसे पाषाण हृदय हो रखे हैं हमारे। तो इसलिए महाप्रभु ने संन्यास लिया और साथ में ये भी बताया कि वास्तव में कैसे श्री कृष्ण सारे जीवों का पालन करने वाले और रक्षण करने वाले हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम क्या सोचते हैं, नहीं मैं ही करने वाला हूँ अपने लिए सब पुरुषार्थ करने वाला, वो अज्ञानता दूर हो। कितने कई बार कैसी परिस्थितियां आई अभी कोरोना के टाइम में भी, उग्रवाद के टाइम में, लेकिन कई परिवारों के पुरुष जो है वो नहीं रहे, क्या वो परिवार रुक गए क्या? नहीं, कृष्ण सबका पालन करने वाले हैं, लेकिन जब हम भगवान से विमुख हो रहे हैं तो हम इस बात को समझ नहीं पा रहे अज्ञानता और अहंकार के कारण से। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं।
इसलिए कोशिश करें ऐसा निरंतर हरि नाम करने का, उठते बैठते चलते फिरते, क्योंकि जो हालात मोड़ ले रहे हैं केवल भगवान का नाम ही साक्षात कृष्ण के समान ही है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, उनका नाम ही रक्षा कर पाएगा, और वो तभी संभव है जब हम निरंतर नाम करेंगे तो ही बच सकते हैं इस कलयुग के प्रभाव से जैसे जैसे हालात मोड़ ले रहे हैं। इतना सब ये चर्चाएं कर रहे हैं युद्ध के बारे में ये सब, लेकिन एक बार भी कोई चैनल कृष्ण नाम बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? भगवान की माया ही ऐसे ही जीव जब तक भगवान से विमुख है कोई उनको मार्गदर्शन बताने वाला नहीं कि ये सारा कला कलेश खत्म हो सकता है केवल हरि नाम के द्वारा। महाप्रभुपाद जी ने ये बात इसी पूरे विश्व को यही समझाई, और ऐसे कितने लाखों करोड़ों आत्माएं चल भी पड़ी भक्ति में, लेकिन दुर्भाग्य से असंख्य जीव अभी भी भटक रहे हैं। इसलिए हमें निरंतर हरि नाम पहले करें, जब हमारे हृदय शुद्ध होंगे तो फिर हम औरों को भी हरि नाम के प्रचार करने में निमित्त बन सकते हैं, नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु की कृपा लेकर। सभी मेरे पीछे दोहराइए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।